अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में हमने ये सीखना है कि क्वेरी क्या होती है और क्वेरी किस तरह से हम जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा बिगिनर्स के लिए कोर्स है MSSS 2013 का, तो हमने इसमें सिर्फ बेसिक्स पे बात करनी है, ठीक है। मैं ज़्यादा एडवांस नहीं जाऊँगा, ज़्यादा एडवांस पे भी मैं बात करूँगा, ठीक है। जो इसके बाद कोर्स आएगा MSSS 2013, ठीक है, इंटरमीडिएट कोर्स में हम थोड़ा एडवांस जाएंगे और एडवांस में हम बहुत एडवांस काम करेंगे। तो ये हमारा बिगनर है, इसमें मैं सिंपल आपको बताऊंगा कि क्वेरी क्या होती है और क्वेरी को किस तरह से, ये मैंने एक क्वेरी यहाँ पे पहले से बनाई हुई थी प्रैक्टिस के लिए, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल, ताकि मैं आपको क्वेरी जो है वो बना के भी दूँ और मैं आपको सिखा भी दूँ, ठीक है। ये मेरा डाटा आपको ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेरी आपने किस तरह से जनरेट करनी है। यहाँ से क्रिएट में आना है, यहाँ पे क्वेरी विजर्ड होगा, ठीक है। यहाँ से सिंपल क्वेरी विजर्ड, इसको मैं ओके करूँगा, ठीक है। ये सारे मुझे हेडर्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद मैं कहता हूँ जी आई वॉन्ट टू मॉडिफाई, तो मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेरी का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं इनसे कहता हूँ कि मुझे सैलरी। क्वेरी का मतलब होता है कि आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, ठीक है, और आपने उसमें से कुछ चीज़ एब्स्ट्रैक्ट करनी है। मैंने इस पे बड़े डिटेल से बात की हुई है, जो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 है, मैंने बड़े डिटेल से बताया हुआ है क्वेरी क्या होती है और हम ये क्यों लगाते हैं। तो अब मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर आपने ट्यूटोरियल नंबर 1 नहीं देखा तो काइंडली वो आप जाके देखें, ताकि आपको पता चले क्वेरी क्या होती है। अब मैं सिंपल, क्योंकि जिन्होंने देखा हुआ है वो मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे, कि मैं यहाँ से सैलरी पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, ठीक है, वो सैलरी ये मुझे एब्स्ट्रैक्ट करके दे। तो मैं कहता हूँ जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, ठीक है, ग्रेटर देन 20,000 जिनकी सैलरी है वो मुझे निकाल के दे दो। तो इसने मुझे बता दिया कि इतने लोगों की जो सैलरी है वो ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा है। यानी कि अगर अभी तो यहाँ पे मेरे पास डाटा कम है, अगर मेरे पास डाटा ये वाला मोर देन 150,000 होता, 150,000, 150,000 में से आप मैनुअली जब निकालने बैठते हैं कि जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है या इस तरह की कोई भी क्वेरी, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट क्वेरी आप निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं इसको ये क्वेरी मैं सेव नहीं कर रहा, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से मैं ये क्वेरी पे आता हूँ, डिज़ाइन मोड में जाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है, जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है ना, वो मुझे दे दो। तो उसने मुझे बताया कि इतने लोगों का जो फर्स्ट नेम है वो आर से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस तरह से आप ये चेक कर सकते हो कि जो सेल्स एंड डिपार्टमेंट पर लोग हैं सिर्फ उनका मुझे डाटा चाहिए, या ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2012 की है, इसकी बेस पे आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। डी ऑफ जे में जाके आप कह सकते हो इज़ इक्वल टू 2012, तो आपको सिर्फ 2012 का डाटा दे देगा। तो इस तरह से आप क्वेरी को यूज़ करते हुए, ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेरी की बड़े अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। और क्वेरी के बारे में ये मैं बता दूँ, जब आप क्वेरी में होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट फॉर्मेट है, ठीक है। ये डाटा शीट ये वाली होगी, ठीक है, और इसका डिज़ाइन जो है वो ये वाला होगा, और इसका अगर आप SQL व्यू देखना चाहते हैं तो इसका SQL व्यू ये वाला होगा। ये SQL व्यू, ये इसकी SQL वाली जो है वो कोडिंग है, जिसको हम जब डिफरेंट लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं ना, जब हम जावा पे काम कर रहे होते हैं, जावा में से हमने यानी कि इस लैंग्वेज को गुजारना होता है, तो तब हम ये वाली कोडिंग यूज़ करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके। तो इंशाल्लाह जब हम एडवांस ट्यूटोरियल पे बात कर रहे होंगे तो मैं आपको ये चीज़ें भी सिखाऊंगा। तो आज के लिए यही था, क्वेरी क्या होती है, क्वेरी को किस तरह से हम जो है वो उसके विजिट के ज़रिए उसको बनाते हैं और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, यूज़ करने का मकसद क्या होता है, पर्पज़ क्या होता है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसकी। तो नेक्स्ट हमने रिपोर्टिंग पे बात करनी है, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट क्या होती है वो मैंने बता दिया हुआ ट्यूटोरियल नंबर 1 में। रिपोर्ट किस तरह से जनरेट करते हैं, उसको रीडिंग इसकी किस तरह से करते हैं, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम का आज के लिए, थैंक यू।